أقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما अल्लाह की तोफ़ी से हमारे कोर्स आए कुरान समझें शुरू से आखिर तक अंडरस्टैंड कुरान फ्रॉम बिगनिंग टू एंड का लेवल फोर का आज सबक नंबर दस है जिसका हम इक्कीसवा पारा करने जा रहे हैं जिसमें हम इनशा रोम को मुकम्मल करेंगे और सूरत लकमान को हम शुरू करेंगे सफर नंबर छह से लेकर सफर नंबर दस तक पढ़ेंगे इनशा इक्कीसवा पारा हमारा निसफ हो जाएगा और सूरत रोम की आयत नंबर ट्वेंटी फाइव से लेकर सिक्सटी तक की हैं और सूरत लुकमान की आयत नंबर एक से लेकर दस तक की आयात आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कोर्स के मकासद और कोर्स का तारुफ आपके सामने है तो चलिए अः सूरत रोम को मुकम्मल करते हैं आपके इल्म है कल जिस पर हमने अपने पांच सफात को मुकम्मल किया था उसमें ला रबुल्जत की आयात का बयान था अल्लाह की आयात का बयान है तो आज का मौजुब भी बिल्कुल वहीं से शुरू हो रहा है मतलब पिछले तीन चार आयात के अंदर वमीन आयाति ही वमीन आयाति ही अल्लाह की आयात तसलसल के साथ बयान की गई है तो वही तसलसल चल रहा है अल्लाह रबालत ने फरमायाजीम वायाति आयात उनकी जमा आयात और उसकी निशानियों में से अन तक समाओ ये के कायम है आसमान वल अर्दो और जमीन तो ये जमीनो आसमान का कायम होना ये भी तो अल्लाह की निशानियों में से है फिर इदा हैल अर्दो बे अमरीही उसके हुक्म से आसमान और जमीन कायम है कैसे कायम है अमरी ही उस अल्लाह के हुक्म से सोमा फिर इदा दुम जब वो तुम्हें बुलाएगा पुकारेगा दावतन पुकारना आपको याद होगा लेवल फाइव के अंदर आपने ये पढ़ा था दाकुम मतलब कर पैदा करने के लिए अक्सर जिसकी मिसालें सूरत मरियम के अंदर गुजरी हैं इधा द जब वो तुम्हें पुकारेगा देखे फेल माजी से पहले इधा या जब वो तुम्हें पुकारेगा दया पुकारना मीनल और जमीन से ख रुजून तुम सब निकलोगे जमीन से तुम सब निकलोगे ईदा यहां अचानक के माना में है कि अचानक ऐसे होगा कि तुम मिनल और तुम निकलना शुरू हो जाओगे और देखिये यहां पर भी ताक़ीद का माना आया क्योंकि मिनल अर्थ पहले आ गया असल में जुमला था अंतुम तख रुजूना मिनल और दी अंतुम तख मिनल और दी असल में जुमला यह था कि तुम निकलोगे जमीन से लेकिन याद रखिए जब भी अरबी जुबान में कलाम में कुछ तकलीमो तर होती है तो उसका एक बड़ा खास माना होता है कि तुम अचानक क्या होगा जमीन से निकलने लगोगे अल्लाह अकबर व लहू और उसी के लिए है मतलब अल्लाह के लिए है मन फी समावा जो आसमानों में है वल और जमीन में है कुल्ल लहू कानी तून तमाम के तमाम लहू उस अल्लाह के लिए कौनी झुकने वाले हैं असल में ये कनूत से है सब उस अल्लाह के आगे झुकने वाले उस अल्लाह के फर्मा बरदार है अल्लाह होगा अब देखिए मक्की सूरत है इंसान की तखलीक को तफसील से बयान किया गया मक्की सूरतों के अंदर क्योंकि लोग ईमान नहीं ला रहे मशरकिन मक्का है उनको उनकी जात उनकी पैदाइश जमीनों आसमान की पैदाइश अल्लाह की निशानियों के बारे में तफसील से बयान किया गया फरमाया वाही और अल्लाह वो दात है जो अल्लाजी जो दब्तदा करता है अलखलका तखलीक की वो तखलीक की इब्तदा करता है मतलब पहली मरतबा वही पैदा करता है फिर योदो हु वो उसको लौटाएगा पहली मरतबा भी वो पैदा करता है और फिर वो उसको लौटाएगा भी अच्छा ये जो लौटाना है क्या ये कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है फरमाया नहीं वाह ही इसम तफवील है बहुत आसान सिर्फ आसान नहीं बल्कि बहुत आसान है अलैही उस पर यह लौटाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं बल्कि अल्लाह के लिए बहुत आसान है वहुलसल और उसी अल्लाह के लिए बुलंद आला मिसाल है फिस समावाती आसमानों में अर्द और जमीन में जमीनों आसमान में मसल उसी के लिए है वह अल अजीज उल हकीम और वह गालिब हमत वाली जात है और वह अल्लाह गालिब हमत वाली जात है दौरा तो जरा बताइए चैट के अंदर दौराबा दौराबा बताइए दौराबा का मतलब कि यहां क्या होगा दौराबा का मतलब आ तो लेवल वन में पढ़कर आए हैं मारना ऐसे ही जी दौराबा उसने मारा लेकिन नहीं देखिए यहां पर दौराबा का मतलब हो जाएगा बयान करना वजह वजह यह है कि दौराबा के बाद आ रहे लव्ज मसाला तो याद रखिए जब भी दौराबा फेल के बाद मसल अमसाल तमसील कोई भी ऐसा लफ्ज आ जाए मिसाल से मुतालिक कोई भी लफ्ज आ जाए तो याद रखिये दौराबा का मतलब मारना नहीं बल्कि बयान करना दौराबाला उसने बयान किया तुम्हारे लिए मसल मिसाल कहां से बयान की मिन अनफू कुम तुम्हारी जानों से तुम्हारी नफ्सों से अल्लाह ने तुम्हारे लिए मिसाल को बयान किया क्या है जी क्या है तुम्हारे लिए मिम्मा मलकत अमान जिसके मालिक हैं तुम्हारे दाहिने हाथ मतलब तुम्हारे गुलाम क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में जिसके मालिक हैं तुम्हारे गुलाम मिन शोरा का कोई शरीक है किस चीज में फी मा रजक नाकुम जो हमने तुम्हें रिस्क दिया मिसाल समझे मिसाल समझे फरमाइयाल्ला ने तुम्हारी एक मिसाल को बयान किया तुम्हारी अपनी मिसाल तुम्हारी अपनी मिसाल क्या मिसाल है मिसाल यह है कि जो तुम्हारे गुलाम है क्या उनमें से कोई शरीक है तुम्हारा किस चीज में फी रजक नाकुम उसमें जो हमने तुम्हें रिस्क दिया जो हमने तुम्हें अता किया क्या तुम अपने गुलामों में से किसी को उसमें शरीक ठहराते हो अपना पार्टनर बनाते हो अपने गुलामों में से खादमों में से, फी ही सवा, तुम दोनों यानी तुम और तुम्हारे खादिम गुलाम सवा बराबर हो जाए तुम और वो क्या हो जाए बराबर तखाफून हम तखाफू डरते हो उनसे अपने गुलामों से तुम डरते हो कैसे कुम अनफ़ुसकुम जैसे तुम आपस में एक दूसरे से डरते हो जैसे तुम आपस में अनफुस का मतलब तुम सब आपस में जैसे तुम आपस में एक दूसरे से डरते हो ना कि के कहीं मेरा दोस्त मेरे से आगे ना निकल जाए पार्टनर ना बन जाए शरीक ना बन जाए मैं अपने माल में क्यों किसी को शरीक ठहरा हूं अपना पार्टनर शरीक बना लूं जैसे तुम ऐसे डरते हो तुम अपने गुलामों के बारे में भी यह डर रखते हो अल्लाह अकबर ये मिसाल है जी कदालिका इसी तरह नुफसुल आयाती हम तफसील से बयान करते हैं निशानियां रखने वाली कौम के लिए कौन है जो इस मिसाल को एक्सप्लेन करेंगे मिसाल तो आपने समझ ली मिसाल तो आपने समझ ली कौन है जो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इससे क्या मुराद है मिसाल से कदालिका इसी तरह नुफसल आयाति हम तफसील से बयान करते हैं आयात किसके लिए अक्कर रखने वाली कौम के लिए चैट में जवाब दीजिए लिखे ताकि हमारा टाइम भी बच सके तो फिर हम दोबारा इस मिसाल की तरफ लौटते हैं अल्लाह ने फरमाया बल इतबादीना बल्कि इतबा की उन लोगों ने वालम जिन्होंने जुल्म किया था उन्होंने इतबा की धलिमों ने इतबा की किसकी इतबा की, की? अहम अपनी ख्वाहिशात की यानी इतबा का ताल्लुक किसके साथ है अहवा के साथ किसके साथ अहवा के साथ जालिमों ने किसकी इतिबा की अपनी अहवा की अपनी अपनी, अपनी नफ्स के पीछे लग गई अपनी ख्वाहिशा के पीछे चल पड़े बिगैर बगैर बस कौन हिदायत देता है मन अदल जिसको अल्लाह गुमराह कर दे जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कौन हिदायत दे सकता है वो महुम मिन नौसरीन और नहीं होगा उनके लिए कोई मदद करने वाला माला हूम नहीं होगा उनके लिए मिन कोई मदद करने वाला फ़ाक़िम वजह का फ़ाक़िम आप कायम कीजिए वजह का अपने चेहरे को किसके लिए लिद दीनी, दीन के लिए हनीफा यकसू होकर हनीफ का लफ्जी मतलब क्या होते जी यू एक अल्लाह की तरफ मुतवजे तो आप एक अल्लाह की तरफ यकसू और मुतवजे होकर अपने दीन को कायम कीजिए फितरत ALLAH، ये अल्लाह की फितरत है अल्लती जो कि عليها जिस पर अल्लाह ने लो, लोगों को पैदा किया है ये अल्लाह की फितरत है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है ला तब्दील अली खलकल्ला अल्लाह की तखलीक के लिए कोई तब्दीली नहीं जो अल्लाह ने पैदा कर दिया उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता कोई उसके, उसके अंदर तब्दीली नहीं है िक दीन उल्कम दालिक यह है सीधा दीन जालिक दीनू जालिका दूर के लिए यूज होता है लेकिन ताक़ीद के लिए जालिक दिनू यह है दी अल्कम सीधा लेकिन क्या है वो अला किन्ना और लेकिन अक्सर नासी अक्सर लोग ला अलमून इलम नहीं रखते ये सीधा दीन है क्यम है लेकिन अक्सर लोग इसका इलम नहीं रखते तो माशाल्लाह चैट के अंदर मोहम्मद फैसल साहब हैं आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया माशाल्लाह उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के साथ क्यों शरीक करते हो मिस... मतलब अल्लाह ने इस मिसाल को बयान किया कि तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे माल में तुम्हारे शरीक बने तो तुम सब अल्लाह के गुलाम हो तो अपने जैसे बंदों को अल्लाह का शरीक क्यों ठहराते हो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत क्यों करते हो बताइए चैट में आपको मिसाल समझ आ गई

फरमाया कदालिका कदा लिका नुफी आया की रखने वाली कौम के लिए हम निशानियां बयान करते हैं देखिए अकीदा आखरत से मुतालिक ये किस कदर कवि निशानी और मिसाल को अल्लाह ने बयान किया फरमाया मुनीबीना मुनी मुनीबीना इनाबत से है उसी अल्लाह की तरफ झुकने वाले उसी अल्लाह की तरफ इनाबत इख्तियार करने वाले वकु और उसी से डरो वह अकीम सलाता और नमाज को कायम करो मिनल मुशरिकीन और शिर करने वालों में से ना हो जाए शिर करने वालों में से ना हो जाओ अब देख लीजिए नमाज को कायम करो शिर करने वालों में से ना हो जाओ तो पता चला नमाज की जितनी भी इबादात है वो अल्लाह के साथ खास है आपकी नमाज के अंदर कयाम भी है आपकी नमाज के अंदर रुकू भी है आपकी नमाज के अंदर सजदा भी है आपकी नमाज के अंदर अल्लाह से दुआ मांगना भी है ये तमाम इबादात अल्लाह के साथ खास हैं इसलिए फरमाया नमाज को कायम करो वला मिनल वाला में से ना हो जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को नापसंद करते थे कि कोई बंदा यह पसंद करे कि लोग मुझे उठकर मिले मेरे लिए खड़े हो क्योंकि अल ये खड़ा होना अलग हाँ एक बंदा नहीं चाहता कि लोग मेरे लिए खड़े हो लेकिन अगर कोई खड़ा होता है तो ये जायज है नबी करीम सल्लम भी अपने एक के लिए खड़े हुए थे खड़े होकर उसे वेलकम किया उसका किया। लेकिन अगर कोई पसंद करते हैं कर तो उसके लिए खड़ा होना बिल्कुल जायज नहीं है उन लोगों में से जिन्होंने फर्रकू तफरी कर दिया अलग अलग कर दिया दीना अपने दीन को अपने दीन में उन्होंने फिरका वारियत डाल दी वह कहू शिया और वो ग्रो थे पहले भी गुजरात की जमा है शिया शिया की जमा जिसका मतलब ग्रो शी एक ग्रो और शिया कई ग्रो तो जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया तफरका डाल दिया दीन में और वो मुख्तलिफ ग्रो थे तो क्या हुआ कुल हर जमात भीम जो उनके पास है उस पर खुश होने वाली है हर जमात हर हिजब देखें इसी की जमाना अहजाब हिजब की जमा अहजाब अहज़ाब क्योंकि मुख्तलिफ जमातें मिलकर मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए आई थी गजवा खंदक या गजवा अहज़ाब के मौके पर तो उसकी बात क्या है हिजब तो हर जमात जो उनके पास है उस पर इतराने वाली या खुश होने वाली है तो याद रखिए देखिए हक का रास्ता सिरात मुस्तकीम एक है उसके दाए बाएं गुमराही के रास्ते बहुत ज्यादा हैं अब जो गुमराह हैं वो इस चीज पर खुशी मनाते हैं कि हम दुरुस्त रास्ते पर हैं, वो खुश होने वाले हैं फारीखून हर जमात खुश होने वाली है कि वो हक पर है वो ही दुरुस्ती पर दुरुस्ती पर है लेकिन क्या किसी का अपने आप को हक पर समझना क्या यह हक पर होने की दलील है नहीं नबी करीम सलम ने वो जिस हदीस में फरमाया था कि मेरी उम्मत तिहत्तर फिरकों में बटेगी एक के अलावा बाकी आग में जाएंगे साहबा ने पूछा के सा ग्रोह होगा फरमाया वो ग्रो उस चीज पर होगा जिस पर आज के दिन मैं और मेरे सहाबा व असहाबी जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं और वो कुरान और सुन्नत का रास्ता है वो किताबो सुन्नत का रास्ता है कुरान मजीद का सफ़ा नंबर चार सौ आठ है इक्कीसवा पारा है इक्कीसवें पारे का सफ़ा नंबर सात है और इस सफ़े को इसमें आयात थर्टी थ्री से लेकर फोटी वन तक की आयात हैं जिनको मुख्तलिफ इशारात और मौजूद के अंदर तकसीम किया गया है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इंसान की एक इंसान के एक रवैये को बयान किया गया कि जब जब इंसान पर ख़ुशी आती है तो कैसे हो जाता है ग़मी आती है तो कैसे हो जाता है फरमाया वा मसन्नासा और जब छूती है लोगों को बुर तकलीफ जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है दाऊ पुकारते हैं रब अपने रब को अपने रब को पुकारते हैं कैसे मुनी बी नही ही उस अल्लाह की तरफ इनाबत करते हुए उस अल्लाह की तरफ रुझू करते हुए एक अल्लाह को पुकारते हैं किस हालत में जब उन्हें तकलीफ पहुंचती है अच्छा जी तकलीफ चली गई सुम्मा फिर इदा अदा कहूं जब वो अल्लाह उन्हें चखाए मिन अपनी तरफ से रहमतन रहमत जब वो अल्लाह उन्हें अपनी तरफ से रहमत चखाता है तो फिर क्या होता है इदा फरीक मिन तो उनमें से एक ग्रो भी रब भी हिम अपने रब के साथ शिर करने लगता है जब उन्हें तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह की तरफ भागते हैं और जब अल्लाह उन्हें कोई रहमत चखाता है अल्लाह कोई उन पर नेमत करता है तो फिर उठकर अल्लाह के साथ शरीक लोग दूसरों को ठहराना शुरू कर देते हैं अल्लाह का और यकीन जानिए कि मुआरे के अंदर बीसियों लोगों का इस वक्त यह रवैया है परेशानी पहुंची बड़ा अफसोस हुआ जी आपको परेशानी पहुंची बस अल्लाह की मर्जी ऐसे ही है खुशी पहुंची तो फिर फुला 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 की वजह से मुझे खुशी पहुंची अल्लाह होगा तो ये है कि परेशानी पहुंचती है तो अल्लाह की तरफ मुनी भी नहीं ले ही और जब खुशी पहुंचती है तो ईजा फरीको मिनहुम सारे लोग नहीं लोगों का एक ग्रो कुछ लोग क्या करते हैं बेरोबी कौन अपने रब के साथ शिर करने लगते हैं तो मोमिन का रवैया ये होता है परेशानी पहुंचते तो सबर करता है खुशी पहुंचते तो शुक्र करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर हाल में खैर को पा जाता है परेशानी पर सब्र किया खुशी पर शुक्र किया दोनों हालतों में वो खैर को पा गया फरमाया वो ये ऐसा करते हैं लियक फुरु ताकि वो कुफर करें बीमा आते ही ना हूं जो हमने उन्हें दिया है उसके साथ वो उसका इनकार कर दें फताऊ बस फायदा उठाओ फायदा उठाओ, फाइदा उठाओ। फसो फमोन अंकरीब तुम जान लो फसोफा करीब तुम जान लो ये ज़िंदगी है इसका फायदा उठाओ अंकीब तुम्हें पता चल जाएगा।, कि जाएगा कि दुरुस्त क्या था और दुरुस्त क्या नहीं था तो इसी वजह से सऊफा अन करीब का लफ्ज आया हमने नाजिल किया आल उन पर सुलत कोई दलील या अल्लाह ने फरमाया या फिर हमने उन पर कोई दलील नाजिल की है फाहो य तकल्लमु बीमा कानू बिही युशरीकोन तकल्लमु और वो सुल्तान वो दलील कलाम करती है बीमा कानू बिही युशरीकोन जो वो शिर करते थे मतलब क्या कोई दलील है इनके पास और वो दलील इन्हें बोलकर बताती है कि अल्लाह के साथ ऐसे ऐसे, ऐसे शरीक ठेरा जब कोई दलील नहीं तो फिर इस अमल में क्यों पड़े हुए है शिर किया नासमतन और जब हम चखाते हैं अजाका को असलम उसे कमजोर चैप्टर और जब हम वखाते हैं लोगों को क्या चखाते हैं रोहमतन रहमत फरी खुश हो जाते हैं इस रहमत के साथ वह इन तो सिब हम सही आत और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचे बीमा कद्दमत आई जो उनके हाथों ने आगे भेजा इदाह हम यकन तू फिर मायूस हो जाते हैं कनूत इसी से है मायूस हो जाना कहना था यकन तू कना था यकन तु मायूस हो जाते हैं परेशानी पहुंचते और परेशानी का सबब नाउज बिला कोई उन पर ज़ुल्म नहीं होता अल्लाह की तरफ से परेशानी का सबब है बीमा कदम तदीन बा यहां सबब के मान में है बीमा कद्दम तदीन बा सबब उसके जो उनके हाथों की कमाई है तो क्या करते हैं ईदाहम यकनतून फिर वो मायूस होने लगते हैं समझाई रहमत पहुंचे तो खुश हो जाते हैं और अगर सही आ कोई तकलीफ पहुंचे अपनी कमाइयों के सबब तो फिर मायूस हो जाते हैं तो देखें इन दो आयात में थर्टी फाइव थर्टी सिक्स बड़ी कीमती आयात हैं इंसानों के रवैये से मुताल फरमायामो क्या उन्होंने नहीं देखा सवाल भी है नफी भी है क्या उन्होंने नहीं देखा रिस्का रिस्क फैलाता है वह यक देर और तंग करता है अलबत् निशानिया है ईमान रखने वाली कौम के लिए अलबत् ईमान रखने वाली कौम के लिए इसमें क्या है निशानियां हैं मुझे आपको हमें क्या हुक्म दिया गया फ आती आता यु ती से फेल अमरे, फा आती तू पस्तु देबा करीबी रिश्तेदारों को हक उसका हक और किसको देने देना है उसका हक वल वाल और मिस्कीन को दो सबील और मुसाफिर को दो अच्छा जब इनको इनको हकूक दोगे जालिका खैर ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो जुरी दूना चाहते हैं अल्लाह का चेहरा जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं यह उनके लिए बेहतर है जो क्यामत के दिन जन्नतों में अल्लाह का दीदार चाहते हैं तो यह हकूक की अदायगी उनके लिए बेहतर है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो देखिए ना यून अवज अल्लाह को खास कर दिया गया हकूकुल इबाद की अदायगी से करीबी रिश्तेदारों को दो तो मसाकीन को दो मुसाफिर को दो फरमाया व उला इका और यही वो लोग हैं जो फला पाने वाले हैं यही लोग हैं जो फला पाने वाले हैं फिर फरमाया व माँ आते ही मा आते ही जो तुम दो मिर रिबन सूद में से लिया रबुआ ताकि वो बड़े फी एम वाल लोगों के मालों में जो तुम ये ये वो आई थिंग थर्टी नाइन जिसके अंदर सूद की मजम्मत है कि जो तुम सूद देते हो ताकि वो बढ़े तुम ये समझते हो कि सूद के जरिए तुम्हारे मालूम में इजाफा हो जाएगा जो तुम ये काम करते हो वाली नास ताकि वो लोगों के मालूम में इजाफा हो जाए याद रखो फला अल्लाह के यहां इजाफा नहीं हो सकता इंसान जो अमाल करते हैं अल्लाह के यहां उनकी परवरिश होती है उन अमाल के अंदर इजाफा होता रहता है तो जो तुम सूद देते और समझते हो मालों में इजाफा होगा तो ये असल में इजाफा नहीं है अल्लाह के यहां तो अल्लाह के यहां इजाफा कैसे है उसका जिक्र आ गया है वमा आते ही तुम मिन जो तुम जो दो तुरी ना वज़ह अल्लाह और तुम अल्लाह का चेहरा चाहते हो फा तो यही वो लोग हैं फोन जो कि डबल करने वाले हैं मुदाइफून का मतलब क्या है जी दुगना करने वाले हैं अफु से मुदाइफून दुगना करने वाले हैं अपने यहाँ को दुगना करने वाले हैं तो पता चला ये जक़ात है या अल्लाह की राह में दिया हुआ माल है जिससे माल अल्लाह के यहां दुगना हो जाता है लेकिन अगर कोई यह समझता है कि सूद के जरिए उसके माल में इजाफा होगा तो अल्लाह रबुलजत के यहाँ कुछ भी इजाफा सूद के जरिए नहीं होगा अल्लाहुल्लज़ी खाला अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया ثم राजा फिर उसने तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा ये वाली मौत जो हर इंसान को आनी है ثم यु फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा ثم यु फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा अब अल्लाह इज्जत की तो देखे चार तरह की अल्लाह की कुदरतें बताएंगी उसने पैदा किया रिस्क दिया मौत देगा मौत के बाद जिंदा करेगा सवाल पूछा गया हल मिन शोरा इकुम शरीक उनकी जमा शोरका क्या है तुम्हारे शरीकों में से कोई मैं या फालू जो करे मिन मिन मिनशेई इसमें से कुछ भी क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो इसमें से कुछ भी कर सके तुम्हें पैदा करे या रिस्क दे या मौत दे या जिंदा करे हो वो अल्लाह पाक है वह अला और बुलंद है किससे बुलंद है अम्मा अन से मा जो यु श्रिकुन वह शरीर ठहराते हैं जो वो शरीक ठहराते हैं अल्लाह उसे पाक भी है और अल्लाह उसे बुलंद भी है अल्लाह को ऐसे शरीकों की कोई जरूरत नहीं है अल्लाह अकबर बड़ी जरूरी आयत थे करीमा कि जमीनों बर्रो बहर के अंदर जो फसाद हुआ जो बर्रो बहर के अंदर कोई भी किस्म की कमी वाकई हुई तो उसका सबब क्या है फरमाया जहर फसादु फसाद जाहिर हुआ फिल बर्री खुशकी में वल बहरी और समुद्रों में तरी में तरी में खुशकी में फसाद जाहिर हो गया वजह बास सबब के माना में है बीमा का सब आई दिनास उसके सबब जो लोगों की हाथों ने कमाया मतलब लोगों की अपनी कमाइयों की वजह से बर्रो बाहर के अंदर फसाद वाके हुआ है, है? लियुदी का हुम ताकि वो उन्हें चखाए लियुदी का ताकि वो चखाए हुम उन्हें बाद आमिलो उसका बाज जो उन्होंने अमल किए ताकि अल्लाह उन्हें बास चखाए जो उनके अमाल हैं, उसका नतीजा अल्लाह उन्हें चखाए, हिकमत, ताकि वो अल्लाह की तरफ ताकि वो अल्लाह की तरफ लोटे देख लीजिए किसी कौम पर खास कर जब कोई ऐसी आजमाइश आती है अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश लियो दी अल्लामिलो तो उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की तरफ लौट पड़ते हैं يرجعون, أكبر, कितनी मिसालें तारीख के अंदर मौजूदा दौर के अंदर हमारे सामने मौजूद है कुरान मजीद का सफा नंबर चार सौ नौ है इक्कीसवा पारा है जिसका सफा नंबर आठ है जिस पर आयात फोर्टी टू से लेकर फोर्टी नाइन तक है और ये शोरत रोम का सेकेंड लास्ट पेज है गौर से इसको देखिए अल्लाह अकबर फरमाया कुल कह दीजिए सी सारा यसी से सारा यसी उसे फेल अमर है सी रू चलो फिरो सैर करो जाओ फिरो फिल और दी जमीन में फंदर बस देखो कहीफा क्या आकीबतुल्लन अमिन कबलू कैसा है अंजाम उन लोगों का मिन कबलू जो इनसे पहले थे कहिफा कैसे है काना है आकीबतुल्लाना जाम उन लोगों का जो इन कबलू इससे पहले थे काना अक्सर मुशरिकीन उनके अक्सर मुशरिक थे काना अक्सर उनके अक्सर थे मुशरकिन मुशर फा अपने चेहरे को कायम कीजिएम सीधी राह के लिए सीधे दीन के लिए कय कायम से है जो सीधा है सिरात मुस्तकीम है उसके लिए अपने चेहरे को कायम कीजिए कब से पहले किस दिन से पहले मिन कबली इससे पहले ये कि वो दिन आ जाए ला मरद लहू मिन के उस दिन का वापस लौटाना नहीं है कयामत का दिन जब कयामत कायम हो जाएगी फिर वो टलेगी नहीं फिर वो वापस नहीं जाएगी मरद रद्द रद से है मतलब कोई उसको फिर रद्द नहीं कर सकेगा उसको वापस नहीं लौटा सकेगा उस दिन वो अलग अलग हो जाएंगे यस सद्दाउन ये क्या है अलग अलग हो जाएंगे मतलब अहले ईमान अलग अहले कुफर अलग मुखलिफ ग्रोहों में के दिन वो अलग अलग हो जाएंगे मन काफ़ारा जिसने कुफर किया होगा फलही कुफर हो तो उस पर उसका कुफर है आलही ही देखिये मैंने अक्सर कहा ना आला अगेंस्ट में आता है मतलब उसकी उसका कुफर उसी के खिलाफ जाएगा अच्छा जिसने नेक नेक अमल किए मन आमिला सलिहन और जिसने नेक अमल किए फली अनफुसीम तो उनकी अपनी जानों के लिए हैं यमहदून वो तैयारी कर रहे हैं वो असल में अपनी जानों के लिए ही आरामगाह तैयार कर रहे हैं महद अरबी में गोद को भी कहते हैं ना जैसे वो एक मकूला है उतलुबिन लोग इसको हदीस कहते हैं लेकिन ऐसी कोई हदीस नहीं है अरबी का मकूल है कि गोद से लेकर लहद मतलब कबर तक जाने तक इल्म हासिल करो तो उसी से फेल है कर रहे हैं। अगर नेक अमल कर रहे हैं तो अपनी जानों के लिए अपनी आरामगाह तैयार कर रहे हैं और अगर ने कुफर किया तो उसका कुफर उसी पर है लियतना ताकि वह बदला दे लियत जिया फिर मुजारिया वो बदला दे अल्ला दीना आमन उन लोगों को जो ईमान लाए व सालिहाती और उन्होंने नेकमाल किए मिन फजल ही अपने फजल में से अल्लाह अपने फजल में से उनको बदला दे इन्नाबुल काफिरीन वो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता अब देखिए इतने मौजुआत अकीदा आखर तकदा तो तमाम मौजुआत बयान करने के बाद दोबारा आयात हैं वह आयात ही और उस अल्लाह की निशानियों में से रियाहा ये कि वो भेजता है हवाओं को रिया उनकी जमा रियाह उसकी निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कैसे बेचते हैं मुबरात उनकी जमा मुबशी खुशखबरियां देने वाली खुशखबरा खुशखबरियां देने वालियां बनाकर भेजता है मतलब जब हवा चलती है तो बंदे खुश हो जाते हैं उन्हें बारिश की नवीद मिल जाती है वली उम और ताकि वो वली उम और ताकि वो तुम्हें चखाए मिर रहमत ही अपनी रहमत से वो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में से चखाए बारिश नाजिल अल्लाह की रहमत वो तजरी फुलकू और ताकि कश्ती चले भी अमरी ही उसके हुक्म से कश्तियां उसके हुक्म से चले वाली तब और ताकि तुम तलाश करो मिन फजली ही उस अल्लाह के फजल में से देख लीजिए तीन फेल मुजारे हैं तीनों के शुरू में लाम 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 आया मतलब ता के माना में है वाली उजीक हम वाली तजरिया और वाली तब वाली तब बिन फजल ही ताकि तुम असल्ला का फजल तलाश करो वालाकुम तशकुर और ताकि तुम शुक्र करो वालकद अरसल नामिन कबली का रसुलन वालकद और अलबत् हमने भेजा मिन कबली का, का आपसे पहले रसुलन रसूल सूलन रसूल हमने आपसे पहले रसूल भेजे इला कौमी हिम अपनी कौमो की तरफ वो आए हु पास मतलब अपनी अकवाम के पास बल्कि जाओ का मतलब देखे आए नहीं बल्कि लाए क्यों क्योंकि देखे बाहर है बिलबइ्यनाथ वो लाए उनके पास बिलबइ्यनाथ वाज निशानिया वो अपनी अकवाम के पास वाज निशानिया लेकर आए तो क्या अकवाम उन निशानियों को देकर ईमान ले आई नहीं तो लन फरमाए फन तकम नजी नजराम हमने इंतकाम लिया उन लोगों से जिन्होंने जुर्म किए थे जो मुजरमी थे हमने उनसे इंतकाम लिया वन हक कन और हक था अलैना हम पर न सुरुमीन ईमान वालों की मदद करना ईमान वालों की मदद करना हम पर हक था अब देखिए इसका आपस में क्या ताल्लुक है मुजरिमों से इंतकाम लिया ईमान वालों की मदद करना हमारा हक था क्योंकि मुजरिमों से इंतकाम असल में ईमान वालों की मदद कहलाता है फिरओन जब गरक हुआ तो हजरत मूसा और उनकी कौम की मदद हुई अबू जहल जब इस्लाम दुश्मन अबू जहल जब हलाक होता है नबी करीम और मदद होती है तो हमने मुजरिमीन से इंतकाम लिया वक् अल्लाह की मजीद हैं। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह वो जैर सिया भेजता है हवाओं को वो अल्लाह हवाओं को भेजता है अच्छा कैसे अल्लाह हवाओं को भेजता है फतरू वो उठाती हैं सहाबन बादलों को वो बादलों को उठा लाती हैं साहब याद रखिए उस बादल को कहते हैं जो बारिश वाले से बादल होते हैं वो बारिश वाले से खूबसूरत बादलों को उठा लाती हैं हवाएं फैब हो फिस समा कई फैशा वो अल्लाह आसमानों में उनको फैला देता है जैसे वो चाहता है कभी आपने उन बादलों को आसमानों में देखा है कभी आप जदीद दौर के अंदर रुक कर पिक्चर लेने पर मजबूर हो जाते हैं कि माशाल्लाह बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं तो यह भी तो अल्लाह की एक निशानी है उनको वो फैला देता है आसमानों में जैसे वो चाहता है वो ये और वो अल्लाह उसको कर देता है टुकड़े टुकड़े फिर अल्लाह उन बादलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है फतरल अलवध का आप देखते हैं कतरों को बारिश के कतरात को अलवध कहते हैं फतरा प साहब देखते हैं अलव का बारिश के कतरात को क्या देखते हैं यखरो खिलाल ही उसके दरमियान उस में से बारिश के कतरात में उतर पड़ते हैं अल्लाह फाबा भी बस जब वह पहुंचाता है उसे मै यशा जिसको चाहता है मिन इबाद ही अपने बंदों में से अपने बंदों में से अल्लाह जिसको चाहता है वो पहुंचा देता है तो वो खुशखबरियां लेने लगते हैं वो इस पर खुशियां मनाने लगते हैं इसतार से है बशारत से है वो इस पर खुशियां मनाने लगते हैं बारिश को देखकर व इन कानू मिन कब व इन और अगरचे कानू वो थे मिन कबली इससे पहले किससे पहले आ आ फेल मजूल है पैसे आ आ कि उन पर नाजिल किया जाता मतलब इस बारिश के नाजिल किए जाने से पहले वो थे क्या थे उम्मीद इबलास से है अब से इसम फाइल मुबलिस बारिश के नजूल से पहले वो तो ना उम्मीद हो चुके थे अब जब बारिश उतरी है इस पर खुशियां मना रहे हैं अल्लाह अकबर तो देखिए बारिश बादल बादलों के दरमियान से बारिश कितनी बड़ी है अल्लाह की निशानियां हैं अल्लाह अकबर क़ुरान मजीद का सफ़र नंबर चार सौ दस है इक्कीसवा पारा है जिसका सफ़र नंबर नौ है जिसमें आयात फिफ्टी से लेकर फिफ्टी एट तक की आयात हैं इन आयात को मुख्तलिफ़ इशारात और मौजुआत के अंदर तकसीम किया गया अल्लाह रबुलज़त की रहमतों का बयान जारी है और फिर इन्हीं रहमतों के साथ अकैदा आखरत और दीगर चीज़ें और आप कह लीजिए कि हमारा सूरत का आखिरी पेज है बड़े गौर से देखिए सूरत की क्लोजिंग कैसे हो रही है फंदुरो फन देखिए किस की तरफ देखिए इला अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ आप अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ देखिए कई अर्दा कैसे वो जिंदा करता है जमीन को बदा मोतिहा उसके मरने के बाद जमीन बंजर हो चुकी है खुश हो चुकी है अल्लाह उसको जिंदा कर देते हैं अगले साल इन मऊता ज़िंदा करने वाला है मुर्दों को मय की जमा मऊता वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है वह अलाश इन क़दीर, और वो हर चीज पर कादिर है और वो हर चीज पर कादिर है वो अला इन और अगर हम बेजें हवा को इन और अगर अरसलना हम भेजे रीहन हवा को फरा पस वो देखेंगे हु उसको पस वो उसको देखेंगे मुस्फरन जर्द मुस्फरन का क्या मतलब है जी जर्द उस हवा को वो जर्द देखेंगे यकफुरून लगल्लू तो वो हमेशा रहेंगे मिम्बादी इसके बाद यकफुरून कुफर को फर करते क्या मतलब कि अगर हम तेजो तुंद हवा को देखें और इस हवा के साथ उनके खेत मुरझाए हुए पड़े हो जर्द हो जाएं सब्जे से वो हवा के असरात की वजह से या हवा के नुकसान की वजह से जर्दी में बदल जाएं तो फिर वो कुफर करने लगेंगे लल्लु में बाद ही यकफुरून मायूसी की तरफ चले जाएंगे हालांकि उस मुसीबत के वक्त यह सोचना चाहिए कि शायद ये हमारे यमाल का नतीजा है जो हमारी आंखों के सामने आया नबी करीम से फरमाया फा इन नका का बस बेशक आप ला मौता नहीं आप सुना सकते मुर्दों को नहीं आप सुना सकते मुर्दों को वो लुस्म सु और ना ही आप सुना सकते हैं असुम बहनों को की जमा ना आप सुना सकते हैं बहरों को पुकार। दुआ पुकार लफ्जी मतलब क्या है? जी पुकार आप बहरों को पुकार भी नहीं सुना सकते कब इजा वल्लो मुदबिरीन जब वो पीठ फेर कर जाने लगे अगर कोई बहरा शख्स है पीठ फेर कर चल दिया है तो क्या आप उसे कोई पुकार सुना सकते हैं तो ए मोहम्मद वसल्लम आप ना तो मुर्दों को सुना सकते हैं ना आप बहरे को अपनी पुकार सुना सकते हैं जब वो पीठ फेर कर जा रहा हो वमा और नहीं है आप बिहा अंधे को राह दिखाने वाले आप अंधों को राह दिखाने वाले नहीं है अन दलालत ही उनकी गुमराही पर उनकी गुमराहि पर आप उनको भी राह नहीं दिखा सकते इन तुस्मियाओं इनका मतलब यहां क्या करेंगे बताइए चैट के अंदर इनका मतलब यहां क्या करेंगे और आपके इलमे कि इससे पहले मौजूद गुजर चुका हिदायत की दो किस्में हैं एक है रास्ता दिखाना और एक है मतलूब मकसूद तक पहुंचाना अंबिया रसुलआत इन सब का काम होता है रास्ता दिखाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी रास्ता दिखाना दुरुस्त राह तक पहुंचाना यह अल्लाह की तौफीक है तो ये जो नबी करीम करीमलम से फरमाइए आप हिदायत देने वाले नहीं है मतलब आप उन्हें इंतहा तक पहुंचाने वाले नहीं है वो अल्लाह के हाथ में है मतलब मकसूद तक पहुंचाना अल्लाह के हाथ में हां आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं इन तस्वी माशा जो आबाद दुरुस्त हैं मोहम्मद कबीर साहब हैं सिस्टर शीमा हैं और सिस्टर मुनीर है सबके जो आबाद दुरुस्त हैं इसका मतलब है नहीं क्या मतलब है नहीं के माना में क्योंकि इल्ला से पहले आ रहे कई मैंने बताया इल्ला से पहले इन आ जाए या हल आ जाए तो आप तो उसको सुना सकते है जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं फहम मुस्लिम और वो मुसलमान है फर्मा बरदार है जो ईमान और फर्मा बरदारी की हालत में है आप तो उनको सुना सकते हैं अब यहां सवाल यह है सवाल ये पैदा हुआ कि एक ही आयत करीमा के अंदर ईमान और इस्लाम दोनों का जिक्र है बोलिए एक ही आयत करीमा के अंदर ईमान का है, मैं भी और इस्लाम का है, तो ये नुकता भी गुजर चुका है। आप चैट के अंदर बताएंगे फिर ईमान से क्या मुराद है और इस्लाम से क्या मुराद है लेकिन इंतहा मुख्तसर जवाब एक लाइन के अंदर अल्लाह अल्लाह वो दात है जिसने खलाका पैदा किया कुम तुम्हें अफिन कमजोरी से उस अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कमजोरी से पैदा किया मतलब तुम बहुत कमजोर थे जैसे दूसरी कहने खुले खल इंसान इंसान को दाइफ पैदा किया गया है फिर क्या हुआ जाल फिर उसने बनाया मीम बा कमजोरी के बाद कुआ फिर उस ने कमजोरी के बाद कुत बनाई फुम जाला फिर उसने बनाया मीम बावतन कुत के बाद दोफा कमजोरी व शेबा और बुढ़ापा व शेबा और बुढ़ापा ये नहीं देखिए इंसान की इब्तिदा कमजोरी से होती है उसका बचपन फिर जब जवान होता है तो अपने आप को बड़ा कवि समझता है तो ये अल्लाह की तरफ से है सुम मजालम्बा यही सुम मज आलम अबादिन कु लेकिन क्या ये कुवत हमेशा रहने वाली है बोलिए क्या ये कुवत हमेशा रहने वाली है नहीं जाला इस के बाद, जवानी की के बाद फिर बुढ़ापा और कमजोरी फिर से आने वाली है यखल कुमा यशा जो चाहता है वो पैदा करता है वह अल-कदीर वो इल रखने वाला है कुदरत रखने वाला है हर चीज पर कुदरत रखने वाला है और वो इल रखने वाला है तो माशाला सिस्टर रिजवाना है उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशा ला, अलहमद लादमदिल्लाह और क्या जवाब है जी दिन इस्लाम और ईमान दोनों में फ़र्क ये है याद रखिए जब ये दोनों एक जगह एक साथ आ जाते हैं इस्लाम और ईमान तो ईमान से मुराद अकायद होते हैं वो जिसके छेरकान है आमंतबिल्ला वतुबी व मलासुल खीरी वही इसके ये शेरकान है अकायद और इस्लाम से मुराद अरकान इस्लाम शहादतें नमाज रोजा जक़ात हज समझ गई जी इस्लाम से मुराद अरकानी इस्लाम पांच जो जाहरी अमाल है और ईमान से मुराद अकायद हो जाएंगे जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे और अगर अलग अलग आ रही है किसी जगह पर या लदीना आम अनु सिर्फ ईमान है तो इस्लाम भी इसके अंदर शामिल होता है कि यह मुराद इस, इस्लाम और ईमान दोनों है फरमाया व यो मतू और जिस दिन क्यामत कायम होगी मुजरिमून मुजरिम कसम उठाएंगे क्या होगी तो मुजरिम कसम उठाएंगे क्या कसम उठाएंगे मा लबिस नहीं वो ठहरे गैर सात एक घड़ी के बस वो तो दुनिया में एक घड़ी ठहरे हैं फरमाया क इसी तरह कानू यु इसी तरह वो बहके हुए रहते हैं इसी तरह वो भटकते रहते हैं दुनिया के अंदर बहकते रहते हैं और कयामत के दिन फिर ये कसमें उठाएंगे कि एक घड़ी रहे हैं अल्लाह अब जब मुजरिम ये कसम उठाएंगे तो इल्म और ईमान वाले अहले ईमान उन्हें क्या जवाब देंगे कियामत के दिन अल्लादीना और कहेंगे वो लोग ओ तुला इलमा जिन्हें इल्म दिया गया है वल ईमाना और ईमान दिया गया है क्या कहेंगे लकद फी अलबत् तुम ठहरे हो फी अल्लाह की किताब में इला यो क्यामत के दिन तक तुम एक गाड़ी नहीं ठहरे दुनिया में तुम तो क्यामत के दिन तक दुनिया में ही थे फहाजा ये है योमास बास का लफ मतलब क्या उठाना तो ये है योल तुम लेकिन तुम अलम नहीं रखते वो अला फेल मुजारे से पहले कौन है चैप्टर आ गया कुम तुम थे लाल रखते थे तुम तो क्यामत तक दुनिया में ही ठहरे हो तुम्हें नहीं इस चीज का फो मस आज के दिन ला नहीं फायदा देगा किस को माजिरत आज के दिन उनकी माजिरत उन्हें कोई फायदा नहीं देगी कोई यूजर उनके काम नहीं आएगा वाह हम युसता और ना ही उनसे कोई अमल तलब किया जाएगा।, फेल है। तलब है। ना उनसे ये का जाएगा कि अभी अमल करो और ना ही उनकी माजरत की उस आमद के दिन कोई कबूल को की जाएगी फरमायासी और अलबत् तहकीक हमने बयान की लोगों के लिए फिहादुर इस कुरआन में मिन कुल्ली मसलिन हर मिसाल हमने इस कुरआन में लोगों के लिए हर मिसाल बयान की वाला और अगर आप लाएं उनके पास कोई निशानी फर हो तो जरूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो जरूर कहेंगे क्या कहेंगे इन तुम अला मुबत के नहीं थे तुम मगर बातिल कल भी गुजरा मुफ्ते लोन नहीं थे तुम मगर बातिल झूठे हो अगर आप काफिरों के पास कोई दलील भी ले आए तो काफिरों ने आपको झूठा ही कहना है। मतलब जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने किसी भी निशानी या आयत से या दलील से उन्होंने इस चीज को नहीं मानना तो आखिरी दुआ याद की तर, तरफ चलते हैं सूरत और रूम की सफा नंबर 411 है जिस पर सूरत रूम की दो आयात हैं और इसी तरह

अल्लाह का वादा हक है सच्चा है अल्लाह का वादा सच्चा है वो अला यस तखी फन वो अलास तखी फन्ना वो जो लोग यकीन नहीं रखते ला युकिन जो लोग यकीन नहीं रखते वो आपको हल्का ना करें मतलब बेसबरा ना करें सबर के अंदर वो आपको हल्का ना करें इस्तफाफ से है ना इस तखफा यस चैप्टर क्या है जी इस तखफा मतलब इस तक फरा इस तक फिर स्टाइल पर है बस आखिर वाला जो लेटर है ना फा वो रिपीट आ रहा है इस तखफा तो वो हरगिज भी आपको आखिर में नून ताकीद के लिए हरगिज भी आपको वो हल्का ना करें बेसबरा ना करें जो क़यामत पर ही यकीन नहीं रखते यानी जिनका अपना क़यामत पर यकीन नहीं है तो कभी ऐसा ना हो कि वो आप कभी की आमद पर से यकीन उठा दें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो देख लीजिए ये ये आयात करीमा ये सबक किस कदर मेरे और आपके लिए रहनुमाई का दुनियावी चीजें हैं हती कि कुफार हैं उनकी टेक्नोलॉजियां हैं ये सारी चीजें हैं ये हमारा की आमद पर से यकीन उठाने का सबब ना बने आपको ये चीजें क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है हमारा ईमान और हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह का वादा सच्चा है इन अल्लाह हक आप सबर कीजिए और इस्तेमालत के साथ इस चीज़ पर डटे रहिए तो बिनती ही सालिहात अल्लाह इज़्ज़त की तौफीक तो से उसकी नेमत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने रूम को मुकम्मल किया तो चलिए अल लुकमान की तरफ चलते हैं जिसकी इब्तिदाई दस आयात आज हम पढ़ेंगे इनशाला इसका नाम लुकमान है लुकमान ये मक्की सूरत है जिसकी आयात की तादाद चौंतीस है थर्टी फोर है सूरत का नाम आयत नंबर बारह की मुनासबत से सूरत लुकमान रखा गया जो कि हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे इन जिसमें हज़रत लुकमान अल हकीम अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं उनकी अपने बेटे को मुख्तम नसीहतें हैं इसके मौजूद के अंदर शुरू की नौ आयात में कुरान के हिदायत होने का तस्करा है मुत्तकीन की सिफ़ात हैं और कुरान का जो इसजा करने वाले हैं मज़ाक उड़ाने वाले हैं उनका तस्कर है आयत नंबर दस से लेकर ग्यारह तक में अल्लाह की वाहदानीत के दलायल हैं आयत नंबर बारह से लेकर उन्नीस तक में अल हकीम की अपने बेटे को नसीहतें हैं इन सात आयात में बीस से लेकर पच्चीस तक में अल्लाह की नीमते हैं मुशर्कों की सरकशी और माहि मोमिनों की फ़लाह का तस्करा है आयत नंबर छब्बीस से लेकर बत्तीस तक में अल्ला की कुदरत क़लिमात, आयात नेमतों और काफ़रों के इनकार का तजकर है और जो आखिर की चार आयात हैं उसके अंदर क़यामत के बारे में दावत फ़िकर और इलम गैब का सिर्फ़ अल्लाह के साथ ख़ास होने का ज़िक्र है तो चलिए इस मुख्तसर सूरत के तारफ़ के बाद अब हम सूरत को शुरू करते हैं और उसकी आज के सेशन में उसकी दस आयात को अल्लाह की तोफ़ी से पढ़ते हैं

मोहसिन के लिए ये हिदायत भी है और मोहसिन के लिए ये रहमत भी है तो पहले कई मरतबा गुजर चुका है एहसान किस को कहते हैं आप कह लीजिए किसी भी नेकी का जो आला तरीन दर्जा है वो एहसान है एहसान का लफ्जी मतलब है हुसन से है बहुत अच्छा करना किसी भी अमल को बहुत अच्छा करना तो ये कुरान मजीद हिदायत भी है रहमत भी है किसके लिए लिल मोहसिन एहसान करने वालों के लिए अच्छा वो कौन एहसान करने वाले अल्दीन यकीन सलात जो नमाज़ को कायम करते हैं वह तून जक़ात और जक़ात को देते हैं व हम बिल आख़िरत हम यूकिन और वो आख़िरत पर यकीन रखते हैं अच्छा ये जो लोग हैं एहसान करने वाले इनका अल्लाह की तरफ से इनाम क्या है अल्लाह ने फरमाया उलाका यही वो लोग हैं आला हदम रबिम अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं वह उला इका और यही वो लोग हैं हमफली हूं जो फला पाने वाले हैं ये लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर भी हैं और ये लोग फला पाने वाले भी हैं दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर ये हिदायत पर हैं और आखिरत के अंदर और दुनिया के अंदर फलाह पाने वाले हैं फला का दुनिया और आखरत दोनों के साथ है फला का दुनिया और आखरत दोनों के साथ है जी, अल्लाह नासी और लोगों में से मै यशतरी जो खरीदता है लहुल हदीसी फजूल गोई लोगों में से बाज ऐसा बाज ऐसे हैं जो फजूल गोई को खरीदते हैं लगभ बातों को खरीदते हैं वजह क्यों खरीदते हैं क्यों उनका सौदा करते हैं लियुदिल्लान सबीलिल्लाह ताकि वो गुमराह करें चैप्टर है जी अदल्ला युदिल्लु असलम युस्लिमु से लियुदिल्ला ताकि वो गुमराह करें अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से बगैर इल्म बगैर इल्म के ताकि वो बगैर इल्म के अल्लाह की राह गुमराह करें वह यत्तखिज़हा और बनाए इसको जुआ मजाक का बाइस हुजुआ को कहते हैं हसी मजाक को कहते हैं इसको ये जो लाहीफ है इसको खरीदते हैं ताकि लोगों को गुमराह करें बगैर आइम के और इसको मजाक और ठा का बाइस बनाएं अल्लाह अकबर तो याद रखिए इसके अंदर तमाम वो चीजें आती हैं लाहदीस में जो इंसान को अल्लाह से दूर करने वाली होती है फरमाया उलाइका यही वो लोग हैं लहुमुन के लिए आजाब मुहीन रुसवा करने वाला अजाब है यही वो लोग हैं कि उनके लिए आजाबन अजाब इहानत से है कुन है इदा तुतला और जब तिलावत की जाती है उस पर आयतुना हमारी आयात वस्तकबरा तो वो तकबर करते हुए फिर जाता है अल्ल... जैसा कि उसने सुना ही नहीं का अन तशबी के लिए आता है गोया के यह जैसा के लम यस्मा हा उसने उसको सुना ही, था ही, था ही तो नहीं उसने उसको सुना ही नहीं का अलम यस्मा हा गोया के उसने उन आयात को यस्मा हा में हा तोमीर आयात की तरफ है गोया के उन्होंने उस आयात को सुना ही नहीं का अन नफी उजू नहीं हा गोया के उसके दोनों कानों में उधुन एक कान और उधु नई दो कान और आजान जमा ज्यादा कान कानी नहीं जैसे उसके दोनों कानों में वक्रा डाट है रुकावट है उसके दोनों कानों में किसी ने कोई चीज डाल दी है कि उसने सुना ही नहीं ऐसे हो जाता है फबशिर हो भी आजाब इन अलीम तो उसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए उसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए कि वो जो लहव के अंदर पड़ा रहता है फजूल गोई में पड़ा रहता है और जब अल्लाह की आयात की तिलावत हो जाती है तो ऐसे तकबर करते हुए पीट फेर के निकल जाता है जैसे उसने सुना ही नहीं जैसे उसके कानों में कोई रुकावट है है हालांकि खुशखबरी तो अच्छी चीज की होती है लेकिन यहां पर कहा गया दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए तो ये यानी कि उनके लिए इतनी बड़ी हसरत होगी कि लोगों को खुशी की खबरियां मिल, खुशखबरियां मिलती हैं अच्छी बात की खुशखबरियां मिलती हैं और हमें अजाब की खुशखबरियां दी जा रही तो देखिए शुरू में कुरान की हिदायत का जिक्र है अब ये वो लोग हैं जो कुरान की हिदायत के अगेंस्ट हैं ये मक्का के वो मुशरकिन जो कुरान की हिदायत के अगेंस्ट हैं इन दीना बेशक वो लोग जो ईमान लाए वालिहात वा और उन्होंने नेक नेकमाल किए लहुम जन्ना तन्ना उनके लिए नेमतों वाले बागात हैं खालदीन फ़ीहा वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे वाद वाह हक्न अल्लाह का वादा सच्चा है वह अल-अज़ीज़ अजीज़ुल हकीम और वो गालिब हिकमत वाला है अल्लाह से दुआ कीजिए किल्ल मजालना मिनह उ मिन हमें भी इन जन्नात इन्ना के वारिसों में से बना दे तो आज की आखिरी आयत की अल्लाह रबालत ने सूरत लुकमान के अंदर भी देखिये आयत नंबर बारह में लुकमान की अपने बेटे को नसीहतें शुरू हो रही हैं तो उससे पहले अल्लाह रबुजत ने अपनी निशानियों को बयान किया और वो क्या निशानियाँ हैं खाला कस्सा मावा उस अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया बैर आमदिन बगैर सुतूनों के बगैर पिलर्स के राउ ना हा तुम उसे देखते हो तराउ ना तुम देखते हो हा उसको कोई ऐसी निशानी नहीं है कि जो तुमसे तुम उसे देखते हो अलका और सल्ला ने डाल दी है फिल अर्दी जमीन में। रवासिया, रासिया, की जमा रवासिया, मेखे। जमीन में उसने मेखे गाड़ दी तो पहले भी कई मरतबा गुजरे इस इन मेखों से कौन सी मेखे मुराद हैं इन कीलों से कौन सी कीले मुराद हैं अन तमीदा बिकुम यह कि वो जमीन तुम्हारे साथ हरकत ना करने लगे मादा यमीदो अंतमीदा यह हिलने लगे बिकुम तुम्हारे साथ बिल्कुल जी जवाब दुरुस्त है शेराज साहब का सबसे पहले जवाब आया रवासिया से मुराद क्या है पहाड़ मुराद है सिस्टर नीलो फर है यूनस है जवाब दुरुस्त है के रवासी रासिया जमा है कि जो जमीन में पहाड़ गाड़े क्या है कि कहीं जमीन तुम्हें हिलाने ना लगे वह है इस जमीन में दब्बा हर, हर वो चीज जो जमीन पर चलती फिरती है तो अल्लाह ने जमीन पर ये चलने फिरने वाले चरिंद परिंद इंसान हयात जो चीजें जमीन पर अल्लाह ने इनको बदसा फैला दिया वह अन और हमने नाजिल किया मिन आसमान से मा अन पानी बस हमने उगाया फी हा इस जमीन में मिनकुल्ली करीम हर किस्म के नफीस जोड़े जव जिन हर जोड़े में से करीम करीम कहती हैं नफीस को बड़ा उमदा उमदा अल्लाह इज़्ज़त ने जोड़े बना दिए तो देख लीजिए जदीद साइंस ने भी इस चीज की तहकीक की पौधों के अंदर भी जोड़ा होता है नर और मादा होता है और कुरान मजीद में, में एक से ज्यादा मुकाम पर इसका जिक्र है तो लल्ला रबुलजत ने जमीन में जो पौधों को उगाया तो उनको भी एक नफीस किस्म के जोड़े बना दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अलहमद इज़्ज़त की तौफीक से हमने इक्कीसवें पारे के सफर नंबर छ से लेकर सफर नंबर दस तक को मुकम्मल किया अच्छा सीखने और कोर्स से भरपूर फायदा उठाने के लिए रोजाना का सबक दोहराइए जो पढ़ते हैं साथ साथ लिखिए किसी को पढ़ाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आने वाले लेक्चर तक इन दस सफहत की आप एक मरतबा रिवीजन कर चुके हों और जो आपकी तिलावत का शेडल है उस शेडूल के अंदर इसी क्लास के मुताबिक अपने तिलावत के शेडल को सेट कर लीजिए ताकि इन दस सफहत की बार बार आप तिलावत करें हफ्ते में एक दो मरतबा पहली मरतबा तर्जमे के साथ फिर उसके बाद बगैर तर्जमे के तदब्बर के साथ ताकि आपको आपका ये सीखने का मरला उतना अच्छा हो जाए जो पढ़ते हैं उसे किसी को पढ़ाने की भी कोशिश करें कफारे मजलिस की दुआ पढ़ें सुबह नकल व अभी हमदी का अशहदु अल्लाह इलाह इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू